सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम वो ऑल्ट क्वाइन जो कि अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है और वो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स है। और जब भी मार्केट के अंदर बुलिशनेस आती है, जब भी मार्केट में ऑल्ट क्वाइन अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये क्वाइंस बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जो क्वाइन ऑल टाइम हाई से दूर है, अगर बुल साइकिल में अपने ऑल टाइम हाई को टच भी कर जाता है, तो हम बना सकते होंगे 2 से लेके 5x का प्रॉफिट। और उम्मीद करता हूं हमारी इस वीडियो सीरीज के अंदर, जो मैंने आपको 3 वीडियोस का प्रॉमिस किया था, उसके अंदर आप लोग अच्छा कुछ सीख गए होंगे और आप लोगों को काफी कुछ ऑल्ट क्वाइंस के बारे में पता चल गया होगा कौन से है वो ऑल्ट क्वाइन जो कि हमारे को नजर में रखने हैं। बिकॉज सीजन के अंदर मेरे हिसाब से जितने मैंने क्वाइन बताए हैं, ज्यादातर आप बस इतने में ही नजर रखोगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। बिकॉज अगर आप ज्यादा क्वाइंस के ऊपर नजर रखोगे तो शायद आप किसी और का प्रॉफिट देख देख के अपने क्वाइंस को छोड़ दोगे और उनके क्वाइन में एंट्री लोगे, और वहां से वो जो क्वाइन आप एंट्री लोगे वो गिर जाएंगे और आपने जो कॉइन छोड़ा है वो बढ़ जाएगा, तो उसका अफसोस बहुत बुरा होगा। तो मेक श्योर लिमिटेड लिस्ट बनाओ, लेकिन लिस्ट के ऊपर फोकस बनाए रखो। चलते हैं और जानते हैं कौन से है वो कॉइन जो कि अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं हर रैली के अंदर और हमारे को काफी अच्छा प्रॉफिट भी दे सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को करिएगा बहुत सारे लाइक्स, बिकॉज आप लोगों के लाइक है जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं, चाहे मैं ऑफिस में हूं चाहे ना हूं, आप लोगों के लिए वीडियो को बना के जाने के लिए, ताकि आप लोग इस एजुकेशन को मिस ना करें और अच्छा प्रॉफिट बनाते रहे। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बट लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हाँ तो फ्रेंड, टाइम बिना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं और जानते हैं कौन से वो कॉइन जो कि अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बुल साइकिल के अंदर ये काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहला कॉइन जो कि मेरी लिस्ट के अंदर है वो है TKO टोको कॉइन, जो कि मैंने आपको बहुत पहले से बताया हुआ है। लगभग 1 पॉइंट कुछ डॉलर्स का चल रहा था, तो मैं आपको बोल रहा था कि प्लीज इसको बाय कर लो, ध्यान रख लो, WRS वाली अगली साइकिल ये लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और चल रहा है 1.53 डॉलर्स, 4,000 सतोशीज का चल रहा है TKO। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 70% अपने ऑल टाइम हाई से दूर है, जो कि 5 डॉलर्स का था। तो बुल सीजन अगर आता है सही तरीके से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट TKO के साथ। अगला कॉइन है हमारी लिस्ट में वो है एवा, 580 सतोशीज चल रहा है, 2.20 डॉलर्स चल रहा है। और अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो था 6.45 डॉलर्स का। तो ये भी अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम हो जाते हैं 3x। सेम अगर हम पहुंच जाते हैं TKO के ऑल टाइम हाई पे, हम पहुंच जाते हैं 3x। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये क्वाइंस जो है बहुत अच्छे क्वाइंस है जो आपको मैं इस लिस्ट में बता रहा हूँ, रिलायबल क्वाइन है, आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म विजन के साथ भी इसको होल्ड करें। अगर क्वाइंस उसके बाद गिर जाते हैं तो ऐसा भी स्ट्रेटजी में ऐड करके हम उसका रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं और उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं जब भी वो रैली लगाए, बेशक इन लॉन्ग टाइम फ्रेम। अगर एक क्वाइन की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है कोटी, COTI, 490 सतोशी चल रहा है, 0.59 सतोशी, 58 सतोशी चल रहा है। और अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो 73% ये अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। और हम बात करें, काफ़ी टाइम से ये सिर्फ ड्रॉप हो रहा था और यहाँ इसने से बनाया है सपोर्ट, और यहाँ से आपको थोड़ा सा स्पाइक होता हुआ भी ये दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अगला कॉइन है CRV, जिसने हमारे को पिछले सीजन के अंदर ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया था, लगभग लगा था मेरे हिसाब से ये 10x के आसपास, जहाँ तक मेरे को याद है। हाँ, यहाँ पे हमने 160 के करीब हमने एंट्री ली थी, जो कि गया था 9,450। सबसे पहली रैली जो स्टार्ट करी थी हमारे सीजन के लिए वो CRV था, और इसके अंदर आपको शायद याद हो तो मेरा एक फ्यूचर ट्रेड था जो कि मेरा लिक्विडेट हो गया था, बिकॉज मैंने यहाँ पे ही एंट्री ली थी और उसके बाद जरा सा गिरा और मैं लिक्विडेट हो गया था, बिकॉज उन दिनों में शायद हाई लेवरेज ले ली थी मैंने। अगर वो ट्रेड ओपन होता तो 1-2 मिलियन डॉलर्स या उससे भी ज़्यादा बन चुके होते हैं, अगर मैं इसको इस 8,000 सतोशी के आसपास भी बेचता। तो CRV से काफ़ी अच्छी उम्मीदें मैं रखता हूँ आने वाले टाइम के अंदर। CRV की अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई से 97% दूर भी है CRV। अब बात करें अगले क्वाइन की, वो है OMG, जो कि काफ़ी बार रैलीज दिखाता है सीजन के अंदर, और सेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार भी OMG ओमीज को उसके साथ, क्योंकि अपना ऑल टाइम हाई जो है वो भी इसका 83% ये उससे दूर है। अगर हम अगले क्वाइन की बात करें जो कि हमारे लिस्ट में 6 नंबर क्वाइन है, वो है RSR, जो कि 2 सतोशी की वीडियो में भी था। हमने इसको काफ़ी हद तक लगभग 60-65 सतोशी के आसपास बाय करने की कोशिश करी थी, बताया था आप लोगों को। अगर हमने नहीं लिया तो आई विल से थोड़ा सा रिवर्सल का हम वेट करेंगे, लेकिन उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत अच्छी रैली देगा इस सीजन के अंदर और RSR काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। ऑल टाइम हाई से 70% दूर है RSR। ए 7th कॉइन की अगर हम बात करें वो है SXP, वन ऑफ द फेवरेट कॉइन, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया हमारे को पूरा सीजन इसने,
और चला गया था $5.79, $5.79 से अभी है $2.29, वहां पर हो जाता है तो 2.5x का प्रॉफिट हो सकता है हमारे को SXP के साथ भी। गजब प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, निराश नहीं करेगा ऐसी हम उम्मीद लगा सकते हैं। इसके बाद अगला कॉइन है RLC, जिसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था पिछले सीजन में हमको दोबारा, और RLC चल रहा है $3.34, 8700 सतोशीस का, और काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है, तो यस बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर कोई दोबारा न्यूज़ आती है RLC की। और अगर हम बात करें अपने ऑल टाइम हाई से, ये भी 78% दूर है। अगला टोकन जिसके बारे में बात करेंगे वो है UTK, जिसने हमको 3x दिया जो कि रीजनेबल है, लेकिन यस इसे काफ़ी पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और काफ़ी नए एक्सचेंज में भी आ सकता है। $0.25 और 669 सतोशी है UTK, और अगर आप ऑल टाइम हाई की बात करें तो उससे हम दोबारा लगभग 80% दूर है। और लास्ट कॉइन इन द लिस्ट इज ओशियन, वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट, जो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये काफ़ी कुछ करेगा, और इसने भी हमारे को लगभग 5x दिया पिछले सीजन के अंदर, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया और अभी काफ़ी ऊपर चला गया मैं कहूँगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा रिवर्सल आ जाए तो इसके ऊपर आप दोबारा एंट्री कर सकते हो लगभग 1100-1200 सतोशीस के आसपास। अगर आ जाए तो गुड, नहीं तो वही स्ट्रेटजी 20% की हम एंट्री तो अभी ले लेंगे अगर आप लेना चाहेंगे तो। तो ओशन की अगर हम बात करेंगे तो वो भी चल रहा है 70% डाउन अपने ऑल टाइम हाई से। तो आगे आप वीडियो को करेंगे एंड, बट आप लोगों को बोलना चाहूँगा मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को वो चीज़ें बताने का जो कि मैं करने वाला हूँ इस सीज़न के अंदर, बिकॉज प्रॉफिट बनाना है तो हमारे को ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सब कुछ साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। हाई रिस्क क्वाइन, मीडियम रिस्क क्वाइन, लो लॉन्ग टर्म विजन क्वाइन, SIB क्वाइन, सबको मिला के चलेंगे तो एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो तैयार होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हमारा तैयार हो सकता है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो को लेके आता रहूं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव फन।